पार्लियामेंट के भीतर और विधानसभा से लेकर के यहाँ तक 25वां 27वां या 28वां वर्ष है, और कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में कुछ प्रस्ताव देते हैं, कुछ बातें रखते हैं, और अगर मैं अपने सारण संसदीय क्षेत्र में जाता रहता हूँ तो मैं 26 साल से उस सड़क पर जा रहा हूँ, उस पुल को पार कर रहा हूँ, उस गाँव में जा रहा हूँ 26 साल से। ये सदन के बाकी सदस्य भी मुझे इस बात की मुझे सलाह देंगे कि ये 26 साल 27 साल से जो अपने संसदीय क्षेत्र में जो व्यक्ति जाता है, क्या उसकी जानकारी जो अधिकारी साल भर या दो साल पहले आता है उससे कम है या ज्यादा है। और ये हमेशा पीड़ा बना रहता है, क्योंकि मैं 27 साल से जा रहा हूं और जो अधिकारी सचिवालय में बैठ करके आता है वो एक साल डेढ़ साल के लिए आता है, लेकिन व्यवस्था का ये एक ऐसा स्वरूप है कि जिसमें संचिका उसके पास आती है, शायद वो मेरे जिला में कभी गया ना हो, लेकिन वहां बैठे बैठे पटना में उसको सपना आता है कि ये काम बहुत अच्छा है, और उस संचिका में जब अनुमोदित करके वो कैबिनेट में ले जाता है और अप्रूव करा के ले आता है तो हमारे 26 साल की इस राजनीतिक यात्रा को शून्य कर देता है। और मैं समझता हूं ये सभी जिलों में लागू है, और आज अगर हम लोग चल फिर करके, आप भी अपने, मैं समझता हूं कि आपने भी अपने राजनीतिक जीवन में जितना कोटा में कोटा शहर से लेके कोटा के गांव में जितना जितनी आपकी जानकारी होगी, हो सकता है पहले चरण में ना हो, लेकिन जो 30-30 साल से अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हो और जो विषय में लेके आ रहा हूं, मेरी पीड़ा कहां है, बिहार पूरा 400 किलोमीटर गंगा नदी से बटा हुआ है, और चार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार हम लोग कहते हैं, सरकार के नियम के हिसाब सरकार की नीतियों के हिसाब से पूरब क्षेत्र में गंगा के ऊपर महात्मा गांधी सेतु बना, श्रीमती गांधी ने उसका उद्घाटन किया था, उसके बाद भागलपुर तक साहेबगंज तक कई पुलों का निर्माण हुआ जो पूरब क्षेत्र में बिहार को, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए पर्याप्त था। उसके पश्चात जो रेल पुल था जो अंग्रेजों ने बनाया मोकामा में, हमारे मित्र साथी यहां बैठे हैं, मोकामा का रेल पुल था उस पर था। हाल फिलहाल जब रामविलास जी रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने सोनपुर और दिग्घा के बीच में एक रेल पुल की स्वीकृति दी जो पटना से उसको सोनपुर तक जोड़ना था। फिर किसी अधिकारी को बड़ा अच्छा लगा कि भाई अब ये पुल बन गया है तो पुल के ऊपर एक सड़क चढ़ा दो, और उसके बाद वो पुल जो है वापस लौट करके उल्टी दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। अभी बिहार सरकार ने एक पुल की 4 लेन का स्वीकृति दिया है, मैं बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हें राज्य के खजाने से इसके निर्णय किया है, और दूसरा केंद्र सरकार ने पश्चिम दिशा में एक और दिगवारा शेरपुर के बीच में सारण जिला के बीच में 4 लेन का पुल दिया है। लेकिन मेरा पीड़ा इस विषय का है महोदय, और मैं समाप्त करूंगा कि ये जो दिग्घा से लेके सोनपुर तक का पुल है उसका अलाइनमेंट उसे उस व्यक्ति को जो अधिकारी है जिसने संचिका में दस्तखत की है और जो उस क्षेत्र में कभी गया नहीं हो और उसने जो अलाइनमेंट तय कर दिया वहां बैठे बैठे, वो पूरी तरह से गलत है। हाल फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ एक मंच पर था और हमारे एक क्षेत्र के 70 साल के बुजुर्ग है राघव जी, मुख्यमंत्री ने उनसे बुला के पूछा कि साहब ये अलाइनमेंट सही है कि नहीं, उसने कहा कि सर पूरे राजनीतिक जीवन की लड़ाई थी कि दिग्घा से लेके नया गांव के बीच में पुल निकले, इन लोगों ने उस अलाइनमेंट को बदल दिया है। महोदय आपके माध्यम से वर्षों के अनुभव से हम सब राजनीतिक लोग जब कोई प्रस्ताव सरकार के पास आते हैं और जो अधिकारी जिसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा निर्णय जो हजार वर्षों तक रहेगा उसमें उसका आक्षेप होता है, कहीं ना कहीं ऐसे बड़े निर्णय जिसमें 1000-1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी मंतव्य लिया जाए। और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि जो दिग्घा और दानापुर के बीच, भाई दिग्घा और नया गांव के बीच का जो अलाइनमेंट है उसे ठीक किया जाए, और ऐसा ही निर्णय जो कहीं कहीं माननीय सांसदों के क्षेत्र में होता है उनकी भी सलाह ली जाए, उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाया जाए।